पारा वो दुर्योधन के बेटा लक्ष्मण की और ध्यान रखना इस दुर्योधन के बेटा लक्ष्मण को और कुरुक्षेत्र के मैदान में मारा किसने था संस्कार किया और जिस समय महाराज दुर्योधन अपने नगर में आए हैं हस्तिनापुर में भानुवती और पांडवती दोनों रानी थी आवाज दी जब फाटक खोला रक्त बह रहा था शरीर से काया घायल हो गई थी मुकुट से प्रकाश हो रहा था गदा कंधा पर थी महाराज अकेले आए अरे जिस परिवार को ले गए थे तुम कुरुक्षेत्र के मैदान को वो सब कहां है भानुवती वो तो सब मारे अब कुल में कोई नहीं बचा सब परिवार नाश हो चुका है महाराज मेरा बेटा लक्ष्मण कहां है दुर्योधन ने कहा वो बेटा लक्ष्मण मर चुका है और आज उसी की लाश में बैठकर मैं नदी को पार हुआ तो महाराज अब यहां क्यों आए हो मेरे प्राणों की रक्षा कर लो पांडव मुझे मार देंगे अब मुझे बचा लो अब भानुवती बोली महाराज आज तो मेरी बात मानने में तैयार हो तुम जो हम कहें ता मानो है लेकिन मैंने तो महाराज बाउदन समझ आया बादन मानी तुम अरे नाई मानी रे पिया ए नाहे मानी रे पिया तेरी पति बिगड़ी नाहे मानी रे पिया तेरी पति बिगड़ी अरे पति बिगड़ी रे पति बिगड़ी नाहे मानी रे पिया तेरी पति बिगड़ी नाहे मानी रे पिया आधे का
बसयाई आधे कातिक माँ बसयाई चुआ खेली रहे तुम कुरराई चुआ खेली रहे तुम कुरराई बादन समझ आए कि जा जुआ मत खेलो बादन तुमने मान ली नहीं मान द्रौपदी जैसी नारी को नग्न किया जा रहा था सभा में वो तुम्हारा दुशासन भैया कहाँ है अब बोलो कहाँ है दुशासन ये सो कुलघाती दुशासन ये सो कुलघाती तान करी दुशासन भैया कौन है तुम नहीं बताओ मैं बताऊं अरे जिस हाथ से द्रौपदी का चीर खींचा था उस तुम्हारे भैया दुशासन की और भीम ने छाती पर लात धरे को वो पानी घाल ली और तुम जी कहते कि मेरी वसुधा के छह अधिकारी भीषम कर्ण द्रोणाचारी शकुन शल्य और कृपाचारी ये कहाँ हैं वो? भीष्म कर्ण द्रोणाचारी भीष्म कर्ण द्रोणाचारी शकुन शल्य और कृपाचारी शकुन शल्य और कृपाचारी भानुवती और बाणवती के पास से दुर्योधन अपने पिता के पास पहुंचे थे। धृतराष्ट्र ने मना कर दिया कि दुर्योधन वो जो परिवार तुम लेकर के गए थे रणभूमि को वो परिवार कहां है? पिताजी वो सब परिवार मर चुका है, सब नष्ट हो चुके हैं। अरे दुष्ट, जो सबसे बड़ा दोषी तू था और तू ही बच गया और जिनका कोई दोष नहीं था वो सब मरवा दिए थे ने? तो जा दुर्योधन, मैंने तो कुनबा बाई दिन मरो मान लो ता दिन द्रौपदी की साड़ी खींची थी। जाओ, जब सब तरफ से आस टूट जाती है तब महतारी की याद आती है। ध्यान रखना, इस दुनिया में मां से बड़ा कोई आशीर्वाद नहीं हुआ पैदा आज तक महतारी से। और हमारे जो गुरुदेवता थे उनके ऊपर भी महतारी का ही आशीर्वाद था। जब गांधारी के पास आए हैं तब कही मैया अब मेरे प्राणों की रक्षा कर लो। श्रोता बंधु, तो उस समय गांधारी ने वो पूरे जीवन का व्रत जो धारण किया था अपने पति के ऊपर उसे तोड़ने का विचार बना दिया। किन के ऊपर? बेटा के ऊपर।
तो बेटा जिस दिन से मैंने तुम्हारे पिता के साथ विवाह किया, क्योंकि वो नेत्रहीन थे, तो मैंने पट्टी बांध ली, फिर संसार को देखा नहीं मैंने। तो आज तो स्नान करके आना, वस्त्रहीन काया करके, कोई कपड़ा नहीं होना चाहिए शरीर पे, तो मैं पट्टी खोल के तुझे नजर धर के देख लूंगी, तो तेरा पूरा शरीर वज्र का हो जाएगा। आज दुर्योधन चले हैं, स्नान करके नगिन अवस्था में लौट के आ रहे थे। श्रोता बंधु, इधर भगवान विचार करते हैं द्वारकाधीश कि अगर दुर्योधन की काया वज्र की है गई तो पांडवों से नहीं मरेगा, और दुर्योधन मरे हो ना तो तक पांडवन राज। तो भगवान ने दोहरी देह धारण की है, ध्यान करना श्रोता बंधुओं, ये क्षमता केवल भगवान में ही है जो वो दोहरा रूप धारण कर सकता है, दोहरा। तो आज दोहरा रूप धारण किया, एक रूप से पांडवों के पास हैं और एक रूप से रात में भगवान आ रहे हैं, रात में। तो जहां दुर्योधन आ रहे थे नग्न अवस्था में, तो पूछा है भगवान ने कि दुर्योधन इस अवस्था में कहां जा रहे हो? प्रभु, मेरी महतारी ने कहा है कि मैं अगर नग्न अवस्था में देख लूंगी पट्टी खोल करके, तो शरीर वज्र का हो जाएगा। भगवान ने कही, दुर्योधन जब राजगद्दी की खातिर इतने गिर गए हो, जब राज के लोभ में इतने गिर गए हो, क्या नग्न अवस्था में महतारी के सामने जा रहे हो तुम? अब तो धर्म से गिर रहे हो। अब भगवान भाई धर्म का बता रहे हो, धर्म है जान तू ही का हो, और धर्म को जानता तो यह अवस्था ही नहीं होती। श्रोता बंधु, तो बताओ कृष्ण क्या करूं? क्या युद्ध में जब क्षत्रियों का आमना सामना होता है तो कमर से ऊपर चोट चलती है, तो फिर कमर से नीचे के हिस्सा को छिपा ले जाओ। अगर जा ही रहे हो तो केला के पत्ता बांधे हैं। और भगवान चले, मैया मैं तेरे सामने स्नान करके आया हूं नग्न अवस्था में, पट्टी खोल दे। तो जिस समय गांधारी ने पट्टी खोली है, जितना शरीर ठक रहा था वो ही कच्चा रह गया, बाकी सब वज्र। तो कही बेटा, मैंने कही थी कि बिल्कुल वस्त्र ही ना आना, और तुम जी कमर से नीचे पत्ता कितने बंधवाए? मैया मुझे कन्हैया मिल गए थे गैल में कि तुम धर्म से भ्रष्ट हो जाओगे अगर नगिन महतारी के सामने जाओगे। श्रोता बंधु, तब गांधारी बोली है, बेटा कन्हैया की बात फिर मान ली क्यों? दुनिया बाबरी कर डारी रे जन मार मार के जादू, दुनिया बाबरी कर डारी रे जन मार मार के जादू, दुनिया अरे मारी मार के जादू भैया, मारी मार के जादू, दुनिया 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 बाबरी कर डारी रे जन मार मार के जादू। शिव शंकर को चेला प्यारो, शिव शंकर को चेला प्यारो, असमा सुर जाई ने मारो, 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 तब बनी गो नर ते नारी रे जन मार मार के जादू, भैया बनी गो नर ते नारी रे जन मार मार के जादू, दुनिया बाबरी कर डारी रे जन मार मार के जादू। अरे हर ना कुछ को बधिवे आयो, हरे ना कुछ को बधिवे आयो, एकन तर सहिए मिलायो, एकन तर सहिए मिलायो, एकन तर सहिए मिलायो, एकन तर सहिए मिलायो, तब बनी गो से रसिदारी रे जन मार मार के जादू, भैया बनी गो से रसिदारी रे जन मार मार के जादू, दुनिया बाबरी भैया। अब जो है गो सो तो है बेटा, कृष्ण ने तुझे बहकाया, कृष्ण ने ही महाभारत करवाया है। भैया कोई और अकल बता दो, अब चाहे वो कितने बहकवा में, पर मैं अब नहीं। श्रोता बंधु, उस समय गांधारी ने और अपने बेटा दुर्योधन को शिक्षा दूसरी बार दी, कौन सी?